नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। शहर के पेट्रोल पंपों में पेट्रोल की सप्लाई में अनियमितता के कारण लोगों में पेट्रोल व डीजल के लिए मारामारी शुरू हो गई है। दरअसल पेट्रोल डीजल की मांग में अचानक उछाल आने के कारण कई राज्यों के पेट्रोल पंपों तेल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। देश में कोरोना महामारी के मामले में कमी आने के बाद औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने से तेल की किल्लत हो गई है। वहीं जानकारों का कहना है कि दुनिया भर में ऐसे हालात बन रहे हैं, भारत ने रिफाइनरी की क्षमता से ज्यादा पेट्रोल डीजल की मांग होने से स्थितियां बिगड़ रही है। आने वाले समय में हालात सामान्य होने की उम्मीद है। ऐसे में लोग दूर दूर से गाँव से आ रहे हैं और बोतल में बड़े बड़े डिब्बों में पेट्रोल डीजल भर कर ले जा रहे हैं। देखिए कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ स्वाति चंद्रवंशी की ये रिपोर्ट। हम अभी मौजूद हुए हैं कवर्धा शहर के भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप में, जहां मौजूदा समय में केवल भारत पेट्रोलियम में ही पेट्रोल एवं डीजलों की सप्लाई हो रही है। कवर्धा शहर के बाकी जो अन्य पेट्रोल पंप हैं वे ड्राई आउट हो चुके हैं। अन्य पेट्रोल पंपों में पेट्रोल ना मिलने के कारण सिग्नल चौक स्थित भारत पेट्रोलियम में लोगों की भीड़ उमड़ चुकी है। लोग गाड़ियों में तो पेट्रोल भरवा ही रहे हैं, उसके साथ ही बोतलों में, कंटेनरों में, बड़े बड़े डिब्बों में भी पेट्रोल भरकर ले जा रहे हैं। आइए जानते हैं लोगों की उनकी समस्याएं। पेट्रोल डीजल के बारे में बहुत तकलीफ है, इसलिए मैं कुछ साधन करो इसलिए बोल रहा हूँ। सर भैया, पेट्रोल की सप्लाई रेगुलर नहीं हो रही है, इससे क्या समस्याएं आ रही है? समस्या सब पेट्रोल टैंक इधर का बंद है तो इस चालू इस कारण से तेल नहीं मिल पाया कि यहाँ आना पड़ा हमको, और तेल मिल रहा है यहाँ पर अभी। तो कब से हो रही है समस्या? आज से हुआ है। सर आपको क्या लगता है कब ये समस्या का हल निकलेगा? समस्या का हल कोई पता नहीं इसका, कब क्या हो जाएगा। उस कारण से गाड़ी से किसान लोग पहले से भरवा रहे हैं, मौके में काम आएगा भटक नहीं पाएंगे इसलिए पहले से भरवा पा रहे हैं। रोजमर्रा के दिन में, रोजमर्रा की जिंदगी में कितना पेट्रोल यूज होता है आप? पेट्रोल जो ऐसा ऐसा काम ऐसा ऐसा पेट्रोल खत्म होता है दूरी के हिसाब से। मैं प्रदीप जायसवाल, कबीरधाम कवर्धा से। सर किस तरह की समस्याएं हो रही है पेट्रोल की सप्लाई रेगुलर ना होने से? पेट्रोल की बहुत सप्लाई में बहुत तकलीफ हो रहा है पब्लिक को, किसी को आना जाना है, दुख सुख में आना जाना है, बहुत तकलीफ हो रहा है लोगों को। आपका नाम? जी मेरा वीणा जी तहरे है। और देखिए यहाँ पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है, बहुत भीड़ ज़्यादा है, ऊपर से नेटवर्क इशू, फ़ोन पे नहीं हो रहा है हमारा, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मैम आपको क्या लगता है कि ये समस्या कब हल हो जाएगी, कब लोगों को नियमित तौर पे पेट्रोल मिलना चालू? अब ये तो मोदी जी जानेंगे वो कब मतलब इसमें काम करेंगे या ध्यान देंगे इस ओर, जब सरकार ध्यान देंगे तब होगा ये समस्या हल। आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या समस्याएँ हैं। सर आपका नाम? आशीष ठाकुर। सर क्या समस्याएं हो रही है पेट्रोल को लेकर? मैडम सुना है कि आज विदेश से सप्लाई बंद हो गया है, हम लोग एक दो जगह और गए थे, मैं यहाँ वहाँ से वापस आ गया हूँ, ठीक है, कैलाश नगर वाले पेट्रोल पंप से, ठीक है, यहाँ भी भीड़ भाड़ दिख रही है पेट्रोल डीजल, अभी अभी टैंकर आए हैं, ठीक है, पता नहीं यहाँ कितने दिन रुकना पड़ेगा। शहर के अन्य पेट्रोल पंपों में पेट्रोल एवं डीजलों की कमी के कारण इस पेट्रोल पंप में लोगों की लगातार भीड़ उमड़ रही है, इसके साथ ही मैनेजमेंट को भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है। पेट्रोल की कमी के कारण स्कूल बस, यातायात साधन, एम्बुलेंस एवं पुलिस वाहनों को भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शहर के सभी पेट्रोल पंपों में पेट्रोल की समस्या एकाएक उत्पन्न होगी, यह समस्या कब तक रहेगी ये अभी अज्ञात है। आगे की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। कैमरामैन शुभम के साथ स्वाति चंद्रवंशी, न्यूज प्लस 21। ऐसे ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।